नमस्कार दोस्तों आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है और पूछा है कि जो रेमेडीज़ मैं शेयर करती हूँ उनको कितने दिन तक खाना है तो ये आ, कोई रेसिपी मैं घर की रेसिपी नहीं बना के आपको दे रही हूँ जिसमें जो आ, खाना है ये आपको हमेशा खाना है ये जब आपकी तबीयत ठीक हो जाती है आपको बंद कर देना है ये दवाई के फॉर्म में है ये दवाई है तो और ये उन्हीं लोगों को खाना है जिनकी तबीयत ख़राब है ऐसा नहीं कि जो स्वस्थ लोग हैं वो भी खाना चालू कर दें ऐसा मत करिएगा अगर आपको तकलीफ़ है तभी आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करिएगा जो भी रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ अदरवाइज़ अगर आप स्वस्थ हैं तो उन रेमेडी की आपको ज़रूरत नहीं है आप जो आप नॉर्मल अपनी लाइफ में जो खान पी रहे हैं उसको खाइए पीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया कि तभी खाना है जब आप बीमार हो और तब तक ही खाना है जब तक आप बीमार हैं जैसे ही आप ठीक हो जाते हैं आपको छोड़ देना है ये खाना ठीक है जो भी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ओके सो so, आज का टॉपिक एक्चुअली लिकोरिया है मैंने एक टॉपिक मैं मेल के ऊपर बनाऊंगी कॉमन और एक मैं फीमेल का बनाऊंगी क्योंकि दोनों का ध्यान देना है मेरे दोनों ही व्यूअर्स हैं तो लिकोरिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ये ज़्यादातर जो तो देखने को मिलती है या तो औरतों में जो मेनोपॉज के स्टेज पे पहुंचती हैं उनको ये देखने को मिलता है या एस्ट्रोजन लेवल जो है बॉडी में कम होने लगता है जिसकी वजह से लिकोरिया हो सकता है अदरवाइज़ ये जो यंग लड़कियां होती हैं उनमें भी देखने को मिलता है उसमें इसका कॉज अलग हो सकता है उसमें हो सकता है उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया हो या हो सकता है सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से हो गया हो तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी इसके अलावा इसके सिम्टम्स यही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट होगी आप बहुत ज़्यादा लतार्जिक फ़ील करेंगी और आपको जो डिस्चार्ज होगा वो वाइट कलर का या येलो कलर का थिक डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज के साथ साथ उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है तो ये एक इसके सिम्टम हैं इसके अलावा आपको जो वजाइना है उसमें काफ़ी इच्छी फील होता है आ, ये भी एक सिम्टम है उसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन होने का Uh, बहुत सारी लेडीज़ में उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम होगी उनको कॉन्स्टिपेशंस भी हो जाते हैं तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं इसके अलावा पेट में दर्द होना लोअर एबडोमिनल में कभी कभी दर्द होने की भी समस्या होती है भारीपन महसूस होता है तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं अब हम आते हैं इसके रेमेडी पे डॉक्टर पंकज जी ने मुझे रेमेडी दी है ये रेमेडी 100% डॉक्टर पंकज जी की दी हुई है और इसको तभी तक आपको खाना है जब तक आपको इसकी जरूरत है जब आप ठीक हो जाए तो मेहरबानी करके इसको बंद कर दीजिएगा तो चलिए कॉपी पेंसिल उठाइए और लिख लीजिए रेमेडी सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको लेना है इसमें संज, आ, संगेज राहत 50 ग्राम शुद्ध फिटकरी आपको लेना है 10 ग्राम छोटी इलायची आपको लेना है दस ग्राम छिलका उतारने के बाद अंदर का जो सीड होता है वो दस ग्राम होना चाहिए धागे वाली मिश्री चाहिए इसके लिए आपको आपके पास दो चॉइसेस है या तो आप धागे वाली मिश्री ले लीजिए हंड्रेड ग्राम या आप ताल मिश्री ले लीजिए हंड्रेड ग्राम अगर आपको ताल मिश्री मिलता है तो उससे बेटर कुछ नहीं है अगर वो नहीं मिलता है तो आप धागे वाली मिश्री जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा आपको लेना है धनिया का बीज 30 ग्राम इन सब का आपको मिला करके पाउडर बना देना है पाउडर बनाने के बाद उसमें उस, उस पाउडर को आपको आधा चम्मच दिन में तीन बार लेना है खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद गैप सिर्फ एक घंटे का होना चाहिए मतलब एक घंटा खाना खाने से पहले ले लीजिए या एक घंटा खाना खाने के बाद ले लीजिए इसके अलावा आपको एक लाइक फेमिनिन वॉश बनाना है जिससे आप अपने प्राइवेट uh, पार्ट को वॉश करेंगी तो फेमिनिन वॉश uh, को बनाने का जो रेसिपी है वो भी आप लिख लीजिए इसके लिए आपको चाहिए शुद्ध फिटकरी शुद्ध फिट फिटकरी को कैसे किया जाता है आपको फिटकरी को कढ़ाई में पकाना है उसको कढ़ाई गरम कीजिए और उसमें फिटकरी को डालिए जब फिटकरी पिघल जाती है और जब वो ठंडी हो जाती है तो वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तो आपको चाहिए शुद्ध फिटकरी और नीम नीम चाहिए आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा कोई इसमें मेजरमेंट नहीं है आपको जितना चाहिए जितना पानी बना के रखना है उतना पानी बना के रख लीजिए और उससे आपको वॉश करना है अपना दिन में जब भी आप जाती हैं वॉशरूम यू हैव टू वॉश इट तो इसको क्या करना है आपको दोनों को मिला करके पका लेना है थोड़ा सा उन पानी को बॉईल कर लीजिए और उसको ठंडा कर लीजिए और उसके बाद वो उसको बॉटल में भर के रख लीजिए और जब भी आपको ज़रूरत होती है एज़ अ फेमिनिन जैसे फेमिनिन वॉश हम यूज़ करते हैं उसको ना यूज़ करके आप इस पानी से अपना जो प्राइवेट पार्ट है उनको धोइए उनको वॉश कीजिए और आप बहुत जल्दी इससे निजात पा जाएंगी इसके अलावा अपने खाने पीने का ध्यान रखिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके रखिए और जिस वक्त आपको ये तकलीफ़ होती है ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना चाहिए आपको हल्के मतलब ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए अपने बॉडी के ऊपर इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखती हैं तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी तो आज की रेमेडी तो यही है छोटी सी है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं इसमें वो किया बहुत सिंपल सा रखा है जल्दी से जल्दी मैंने बता दिया और आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा ट्राई करके इसका रिज़ल्ट जो है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा एक मेरे को कमेंट आया है उस कमेंट को देख करके मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी आ रही थी तो गुस्सा इस बात का था कि जिस बंदे ने वो कमेंट किया था उसने ऐसी उट बात बोली थी कि उनको ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर बी जी के लिए ही ये चैनल मैंने खोला था तो मेरे को गुस्सा इस बात का है कि ये चैनल बी आर सी जी के लिए नहीं खोला था ये चैनल मैंने अपने लिए खोला था मैंने स्टार्टिंग जब किया था तो मैं ब्लॉग चैनल से स्टार्ट किया था ना मैं सीरियस भी नहीं थी इसमें लेकिन जब मैं बी आर सी जी से जुड़ी तो मुझे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे मिली और उस टाइम हम जो है कॉन्ट्रोवर्सी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे और उसके अलावा हमने आ, हाँ उनकी डी डाइट को मैंने काफ़ी प्रमोट किया और बहुत अच्छा लोगों में असर भी आया उसको मतलब बी जी को मैंने काफ़ी हद तक फॉलो किया है और लोगों को काफ़ी अवेयर कराया है उनके साथ अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बी आर सी जी आ, को इतना ज़्यादा प्रमोशन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग उनको प्रमोट कर ही रहे हैं तो क्यों ना मैं आयुर्वेद को प्रमोट करूं जब ऑलरेडी नेचुरोपैथ प्रमोट हो रहा है नेचुरोपैथ को भी बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं और आजकल हर पद्धति के पीछे मतलब हर पद्धति असहत के लिए सभी लोग कर रहे हैं जितने भी चैनल्स हैं सब चैनल कोई नेचुरोपैथ को कर रहा है कोई बी को कर रहा है कोई किसी को कर रहा है कोई किसी को कर रहा है सब कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने कहा कि भाई मैं अब जो है वो रेमेडीज़ पे फोकस करूंगी क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन आपको उतना नहीं देती मैं आपको सीधी डायरेक्ट रेमेडीज़ दे रही हूँ आजकल तो जब मैं आपको रेमेडीज दे रही हूँ तो आप लोग ठीक भी हो रहे होंगे ना बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे होंगे और बहुत सारे लोग ठीक होने के बाद शायद मुझे भूल भी जाते होंगे कभी एक बार आप लोगों ने थोड़ा सा भी बैठ के एक मिनट के लिए सोचा कि तानिया मैम हमें रेमेडीज़ दे रही हैं और अगर हम ठीक हुए तो एक छोटा सा टेस्टीमोनियल बना करके एक छोटा सा वीडियो बना करके हम मैम के साथ शेयर कर दें वही एक तरह से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मैम को कि चलो मैम ने हमारे लिए इतना एफर्ट किया तो हमने छोटा सा एक वीडियो बना करके मैम को सेंड कर दिया तो मैम भी खुश हो जाएंगी कि हाँ भाई मेरे वीडियो से मेरी रेमेडी से लोग ठीक हो रहे हैं हमको प्रोत्साहन मिलेगा मतलब हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है मुझे भी मोटिवेशन मिलता है मुझे भी मोटिवेशन और एनर्जी की ज़रूरत है आप लोगों से तो आ, मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग इन रेमेडीज़ के साथ ठीक हो रहे हैं क्योर हो रहे हैं आप लोग अपनी टेस्टिमोनियल बनाइए तानिया क्योर बाय नेचर हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर आप एक ईमेल डाल दीजिए तानिया क्योर बाई नेचर एट जी मेल डॉट कॉम मेरा ई मेल है आप उसमें एक ई डाल दीजिए और वहाँ पर मैं आपको अपना व्हाट्सअप का नंबर दे दूँगी आप वहाँ पर अपना वीडियो जो बनाते हैं वो मुझे मेरे साथ शेयर कर दीजिए मैं भी तो लोगों को दिखाऊं कि हाँ मेरी दीवी रेमेडी से लोग ठीक हो रहे हैं मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही मैं काम कर रही हूँ एक्चुअल काम कर रही हूँ लोग तो बातें कर रहे हैं ना लेकिन मैं तो एक्चुअल काम कर रही हूँ आप लोगों को ठीक कर रही हूँ तो उसका प्रूफ लोगों को चाहिए आजकल हर चीज़ प्रूफ पे होती है भाई प्रूफ है तो सबको सबूत सब मतलब सब उसको मानेंगे प्रूफ नहीं है जो दिखता है वो बिकता है बस इतना ही है तो दिखाना ज़रूरी है कि हम कुछ कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेती मैं आप लोगों का मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखेगा टेक केयर लव यू ऑल एंड गुड बाय